नमस्कार। अच्छा सुनिए सुनिए, अब आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। देखिए माइक अच्छा नहीं है तो आवाज बंद कीजिए, शांति से सुनिए, ठीक है? जरा चुप हो जाए एक सेकंड। धन्यवाद। एक साल हुए मैं भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया, 4000 किलोमीटर। भैया सीआरपीएफ वाले थोड़ा रिलैक्स करो भाई, शांत हो जाइए आप, भैया शांत हो जाइए प्लीज। तो 4000 किलोमीटर मैं पैदल चला, हजारों लोग हमारे साथ। इसको खींचो मत, हेलो खींचो मत इसको। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला, और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, डर था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहां जीप में कर रहे हैं। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे, हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए, ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलके काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। और सुनिए, देखिए अजीब सी बात थी इस देश की, मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं, उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं, मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी
हमें करना क्या है। मैंने उनको कहा देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। तो जब हम ये कर रहे थे, सुनिए भाई शांत हो जाए, जब हम ये कर रहे थे, अरे भाई आ रहा हूं, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ राहुल है नाम, तुम्हारा नाम राहुल है, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर आ जाओ राहुल। तो जब हम चल रहे थे हमें कोई थकान ही नहीं हुई, सुबह 6 बजे शुरू, शाम के 7 बजे खत्म होती थी, 12 घंटे चलते थे, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस यात्रा में थी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? यहां बैठ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ, अरे आ जाओ भाई, बैग तो छीनेंगे वो, उनको भी अपना काम करना है, यहां बैठ जाओ। अब देखो ये अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं, मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ, यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ यूपी में, 65 लाख यहाँ का भौम गया है, सीट है मात्र 60,000, ALP में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000, सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को, हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर ग्रेजुएशन है, अभी PG कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में, शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने पटना में? पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर, 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं, मगर कितना 5000 लगता है वहाँ सिर्फ रहने खाने में कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिए आपने इसमें? बहुत, क्या 5 से 10 लाख रुपए, ऐसे एक भाई है, हम तो ऐसे ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, एक अगर हम एक ही भाई थोड़ी है ना सर, घर में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रहते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे इसमें? उससे ज्यादा, उससे 5 गुना ज्यादा, 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे आराम से, अभी बचपन से आराम से हो गया। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे? यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूँ सर, जैसे पहले आज के 1 से 2 साल पहले आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त तो मान चुका था आपने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं इस देश का छात्र हूँ, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूँ, आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे क्योंकि बीजेपी का मुकाबला नहीं कसब कर सकता था, लेकिन उसके बाद जैसे आपकी भारत जोड़ो की यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग आपको मैच्योरिटी से गंभीरता से लेते हैं। नहीं नहीं सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे उम्मीद, पूरा बात सुनिए ना सर, आपसे पूरा लोगों को उम्मीद है, बिहार के पूरा लोगों को उम्मीद आपसे, हम जहाँ तक हम सुन के पाते हैं आपसे, इस बार के इलेक्शन में पूरा उम्मीद है और चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और छात्र बेरोजगारों को हित। अच्छा अब एक बात बताओ, आपको नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं सर कोई फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी से क्या फायदा होगा हमें? अच्छा नोट, अच्छा थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। अच्छा नोटबंदी से यहाँ किसी को फायदा हुआ? बैग सर दिलवा दीजिए, बैग कर रहे करें, बैग दिल मिल जाएगा, बैग मिल जाएगा, अभी देंगे, ठीक है। तो देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे,
एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान, सही। अब देखो ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे, इनको देखो, पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनको, इनका ये किसान का, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले, ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना, मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है, जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ, यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जिनको, जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, एनआई, एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा, हो ही नहीं सकता। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन, सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ा जाएगा। जीएसटी आप दोगे, जीएसटी देश का गरीब व्यक्ति देगा। भाई आपका नाम क्या है, मीडिया के हो, क्या नाम है आपका? ये आपने जो शर्ट पहन, ये टी शर्ट पहनी है, कितने के लिए आपने? 1100 रुपए की। इसमें आपने जीएसटी कितनी डाली? 18% लगी। 1100 में से 18% आपने जीएसटी दी। अब अगर आपके मालिक जो अरबपति हैं, अगर वो यही शर्ट खरीदते तो वो कितनी जीएसटी देते? लाखों में देते। जितनी आपने दी उतनी देते, 18% देते। तो ये अन्याय है ना कि अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय शब्द जोड़ दिया। मणिपुर से महाराष्ट्र तक ये यात्रा जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। आपने इतनी शक्ति हमें दी, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।